दोस्तों, आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एक होम्योपैथिक मेडिसिन जिसका नाम है नेट्रम सल्फ। ये बहुत अच्छी और बहुत पॉलीकस्ट मेडिसिन जो मैंने बनाया है आपके लीवर के लिए और आपके पेट की समस्याओं के लिए। तो केवल इस जो मेडिसिन है इसमें हम केवल इसके वैसे तो पॉलीकस्ट मेडिसिन है, मतलब कई जगह पर इसका काम है, ठीक है, नेट्रम सल्फ का। बट यहाँ पर हम जानेंगे इसके पेट के और लीवर के बारे में कि कहाँ कहाँ पर आप इसको इस्तेमाल करेंगे। तो सबसे पहली कंडीशन आती है वॉमिटिंग वाइल, इसका मतलब आपको बहुत ज़्यादा खट्टी उल्टी आती है तो आप इस दवाई को इस्तेमाल करेंगे। खट्टी उल्टी कब आएगी? जब आपको हार्ट बर्न की समस्या लगातार में बनती रहती है, सीने में जलन रहती है, सीने में खट्टापन रहता है और एसिड बनता है, गैस्ट्राइटिस की प्रॉब्लम है, पेट में अल्सर हो गए हैं, तो वहाँ पे आप इस दवाई का सेवन कर सकते हैं। आपको डेफिनेटली इस मेडिसिन से फ़ायदा लगेगा। लीवर और गॉल ब्लैडर की प्रॉब्लम्स में भी इसको इस्तेमाल किया जाता है। लीवर एंड गॉल ब्लैडर स्वेलिंग, लीवर एंड गॉल ब्लैडर प्रॉब्लम्स और हेपेटाइटिस की कंडीशन में और गॉल स्टोन कोलिक जहाँ पे पेशेंट को पथरी की वजह से दर्द होता है तो वहाँ पे भी इस दवाई को इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसमें कुछ एक खास सिम्टम ये आते हैं, जैसे कि लीवर पेनफुल, लीवर की जो कंडीशन है वो पेनफुल है, लीवर में दर्द होता है। और दर्द कैसे होता है? एग्रवेशन होती है टच से, जार से, लेइंग ऑन लेफ्ट साइड। पेशेंट को कोई सपोज करते हैं, कोई पेशेंट है जिसको लीवर के अंदर समस्या है, उसकी जो लीवर की प्रोफाइल है वो गड़बड़ा रही है, ठीक है, उसके जो लीवर फंक्शन टेस्ट हैं वो ठीक नहीं आ रहे हैं। लीवर के हम सिम्टम पूछते हैं, हाँ जी क्या क्या समस्या रहती है, तो बता दीजिए मेरे पेट में बहुत समस्या है, इस जगह पर बहुत समस्या है, जिस जगह पर क्या क्या समस्या है, कि हम इसको टच करते हैं, उसको टच करके देखते हैं तो पीछे को ऐसा हो जाता है कि जी बहुत दर्द हो रहा है, इसको छूइए मत आप। तो टच करने में उसको दर्द है, स्लाइटली अगर कोई हाथ लगा दे, कोई टेबल लग जाए तो उसको दर्द होता है, तो किसी पर्टिकुलर चीज़ से टच करने से उसको दर्द है। और उसको दर्द सबसे ज़्यादा कब हो रहा है? अगर वो लेइंग ऑन लेफ्ट साइड, अगर वो लेफ्ट साइड की तरफ को सोता है, अगर वो अपनी बाईं तरफ को सोता है तो उसको दर्द उसका बढ़ता बढ़ता है, ठीक है, लीवर का दर्द है वो बढ़ जाता है। अगर कोई टाइट कपड़ा वहाँ पर बांध ले तो भी उसका दर्द बढ़ेगा बढ़ेगा। दोस्तों अब जान लेते हैं उसको आराम कैसे मिलता है, क्योंकि हम जनरली पूछते हैं कि भाई क्या क्या प्रॉब्लम हो रही है, किसी चीज़ से बढ़ रहा है, तो आराम भी हम पूछते हैं कि किस तरीके से आराम मिल रहा है। तो जनरली अगर वो राइट साइड की तरफ को लेटता है और थोड़ा पैर अपने ऊपर की तरफ करके लेटता है तो उसको आराम मिलता है, इसका एक खास सिम्टम है। तो पेशेंट को हेपेटाइटिस की प्रॉब्लम है, गॉल ब्लैडर स्टोन का पेन है, लीवर में दर्द है, हेपेटाइटिस की प्रॉब्लम हो गई है, एनलार्ज लीवर है, एसिड बहुत ज़्यादा बनता है और ये सिम्टम सामने आ रहे हैं, ये मॉडलिटीज सामने आ रही हैं कि पेशेंट को इस चीज़ से एग्रेवेशन और इस चीज़ से एम्यूलेशन है, कि पेशेंट को इस चीज़ से आराम मिल रहा है और इस चीज़ से इसकी प्रॉब्लम बढ़ रही है, तब हम ये मेडिसिन देंगे, तो ये बहुत अच्छा काम करती है होम्योपैथी दोस्त, इसी तरीके से काम करती है, ठीक है। और इसमें क्या है, फ्लेचुलेंसी बहुत ज़्यादा उसको फ्लेटस पास होते हैं, इनडाइजेशन रहता है और भारी खाना खाने से, भारी खाने का मतलब अगर कोई फैट वाली चीज़ वो खा लेगा उसका पेट फूल जाएगा, फट जाएगा, बहुत ज़्यादा गैस फ्लेटस पास होगी। तो ये है दोस्तों इसका पेट जो मैंने आपको बताया, कॉलिक का इसमें होता है जी, कॉलिक एम्यूलेशन, नेल्डिंग एब्डोमेन, क्या होता है कि पेट में दर्द होता है, जब भी उसको दर्द होता है पेट में ऐसे ऐसे करने से उसको पेशेंट को आराम मिलता है। तो दोस्तों एक पेशेंट हाल फिलहाल में मेरे पास आया था, एक बच्चा था, उसको लीवर में, और लीवर में तो लीवर तो खैर उसका ठीक था लेकिन उसके जो बॉल्स होते हैं जो हमारी नीचे आते हैं उसमें स्वेलिंग बताई गई थी अल्ट्रासाउंड में, और उसको उल्टियाँ आ रही थी, खट्टी खट्टी उल्टी आ रही थी और सूजन उसमें अल्ट्रासाउंड में बताई हुई थी और टच करने में उसको बहुत दर्द था, खाना उससे नहीं खाया जा रहा था, हाथों में उसके सूजन थी। तो उस पेशेंट को मैंने नेट्रम सल्फ दी, साथ में शायद एक आध मेडिसिन और दी होगी, तो उसको उस दिन से ही आराम होना शुरू हुआ, उसकी उल्टियाँ रुक गई और जो उसका पेट है अब छुआ जा सकता है, खाना भी वो खाना शुरू कर दिया, 6-7 दिन में ही उसको काफ़ी अच्छा इम्प्रूवमेंट लगा, जबकि वो एलोपैथी मेडिसिन काफ़ी दिन से वो खा रहे थे। तो होम्योपैथी इस तरीके से काम करती है, सिम्टम को मैच करके दें तो मेडिसिन डेफिनेटली काम करती करती है। चलिए बात कर लेते हैं इसको आप किस तरीके से लेंगे। देखिए नेट्रम सल्फ को अगर आप 6 पावर में लेंगे, 6x टैबलेट में लेंगे या 30 पावर में लेंगे या 200 में लेंगे, काम करती करती है, ठीक है। तो मेरी ओपिनियन ये है जिनको एसिड बाइल वगैरह की उल्टी वगैरह होती है वो इसको टैबलेट फॉर्म में ला कर रखें, खाना खाने के बाद 4 गोली मुँह में डाली और चूस के खा ली, इस तरीके से इस्तेमाल कीजिए, ठीक है, लगभग दिन में 3 बार इस तरीके से इस्तेमाल कीजिए। जिनको लीवर और गॉल ब्लैडर की प्रॉब्लम है और लीवर के अंदर समस्याएं हैं तो उनको 30 पावर में सुबह दोपहर शाम इस्तेमाल करनी है, 5-5 बूंदे 2-3 चम्मच पानी में। टैबलेट में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बढ़िया रिजल्ट टैबलेट में भी आते हैं और ड्रॉप में भी आते हैं, 30 पोटेंसी में भी आते हैं। तो इस मेडिसिन का कोई भी ऐसा साइड इफेक्ट नहीं है। अगर आपके सिम्टम्स मिल रहे हैं और लीवर के अंदर ये समस्या है और इसी तरीके से आराम मिल रहा है तो आप ये मेडिसिन ले आइए, आपको आराम हो जाएगा। 30 पावर में इस्तेमाल कीजिए, 5-5 बूंदे सुबह शाम या दिन में 3 बार भी इस्तेमाल कर सकते हैं।
30 पावर में यूज़ नहीं करनी तो 6x पावर में भी लाइए आप इसको, चार चार गोली दिन में 3 बार इस्तेमाल कीजिए। दोस्तों बस आज के वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं, वीडियो अच्छा लगे वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, चैनल पर नए चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, लीवर के मैंने बहुत सारे वीडियोज़ बनाए हुए हैं, मेरी प्लेलिस्ट जाके आप जरूर चेक कीजिए। थैंक यू सो मच।